फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभी स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ चैप्टर वन नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2। इसे पहला क्वेश्चन है इसका, मैंने लैंग्वेज जो है वो लिख रखा है। ठीक है, तो इसे एक बोल रहा है कि एक स्कूल में एक बुक एग्जीबिशन लगता है, मतलब एक बुक की प्रदर्शनी लगती है। उसमें जो है वो पहले दिन फर्स्ट सेकंड 4 दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए वहाँ बुक की प्रदर्शनी लगती है। उसमें फर्स्ट दिन 1094 टिकट बिकते हैं, दूसरे दिन 1812 टिकट बिकते हैं, तीसरे दिन 2050 टिकट बिकते हैं और चौथे दिन 2751 टिकट बिकते हैं। बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो उन 4 दिनों में टोटल कितने टिकट बिके ये पूछ रहा है। तो क्या करेंगे हम, तो टिकट सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इतना, टिकट सोल्ड ऑन सेकेंड डे इतना, टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे इतना, टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे कितना है, 2751। ठीक है, अब इन चारों को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं तो क्या होगा, 4 2 6 1 7। ठीक है, फिर 9 1 10 10 और 5 5 10 10 10 क्या हो गया, 20 20 0 कैरी 2, यहाँ हो गया 8 7 8 7 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, ये 2 2 4 और 5 6 1 7, ये टोटल टिकट्स इतने भी की। ठीक है, देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। शिखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर, शिखर एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेट के खिलाड़ी है। ही हैज़ सो फार स्कोर्ड 6980 रन। उसने अभी तक टेस्ट मैचेस में 6980 रन बना चुका है। ठीक है, ही विशेज टू कम्प्लीट 10,000 रन। वो मतलब विश करता है, वो चाहता है कि उसके 10,000 रन पूरे हो जाए। तो हाउ मैनी मोर रन डज ही नीड, उसे और कितने रन की ज़रूरत है। तो मैंने जैसे यहाँ लैंग्वेज लिख रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो लिखते हैं, वो लिखा है शेखर विशेज टू कम्प्लीट, मतलब शेखर कितना विश करता है कम्प्लीट करने के लिए, 10,000 रन। तो यहाँ लिखते हैं 10,000 रन। ठीक है, और उसने कितने रन बना चुका है, कितने रन बनाए हुए हैं, तो 6,980 रन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। जैसे कोई अगर पूछता है कि आपके पास, आपको आप चाहते हैं कि आपके पास 1,000 रुपीज़ हो और आपके पास 500 रुपीज़ पहले से हैं, तो और आपको कितने रुपए चाहिए ताकि आपके पास 1,000 रुपये हो जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 1,000 में से 500 को घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वो मतलब इतने रुपए और आपके पास आ जाएंगे तो आपका 1,000 रुपये हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे है क्या है, उसको 10,000 रन बनाने हैं और उसने 6,980 रन बना चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो और उसको कितना रन बनाना पड़ेगा ताकि वो 10,000 तक पहुँच जाए, तो हम 10,000 में से जितने रन वो बना चुका है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। ठीक है, घटाते हैं 0, यहाँ 10, यहाँ 10 हो गया, 10 इधर स्केल लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 82, यहाँ हो गया 9990 कोमा, तो यहाँ पे हो गया 9903। ठीक है, इतने रन और वो बना लेगा तो उसके 10,000 रन बन जाएंगे, यानी 3,020 रन और वो बना लेगा तो उसके 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट, लिखा हुआ इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट रिवेल सिक्योर्ड 3,348,700 वोट्स। वाई बाई वाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। ठीक, तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसको 5,77,500 वोट मिलते हैं और जो उसके नियरेस्ट है उसको 3,48,700 वोट मिलते हैं। तो पूछ रहा है कितने मार्जिन से, यानी कितने गैपिंग से वो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो इलेक्शन जीत जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, सक्सेसफुल कैंडिडेट सिक्योर, सक्सेसफुल कितने सक्सेसफुल जो कैंडिडेट है उसको कितना वोट मिलता है, तो 5,77,500 वोट्स, और जो नियरेस्ट रिवल है उसको तो 3,48,700 वोट्स। ठीक है, तो अब मार्जिन, मार्जिन मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा, सेट करना है 0 में से 0 गया 0 0, यहाँ 15 15 में से बन गया 8, यहाँ हो गया 6 6 में से 8 गया 16, यहाँ पे इधर कह लेंगे 16 16 में से 8 गया 8, यहाँ हो गया 6 6 में से 4 गया 2,
यहाँ 5 में से 3 है S2, यानी जो उन दोनों के बीच मार्जिन है वो 2,28,800 हो, यानी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है सो सो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विनिंग द इलेक्शन बाई 2,28,800 वोट्स, ये आपका आंसर। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है जैसे लिखा है कितनी बुक्स बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब जून के पहले सप्ताह में उसने 2,85,891 रुपये के बुक बेचे, एंड बुक्स वर्थ ₹4,00,768 इन द सेकेंड वीक, और दूसरे वीक में उसने 4,00,768 रुपये के 68 रुपये का बुक बेचे। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, तो दोनों सप्ताह को मिलाकर उसने कितने रुपए के बुक्स बेचे, एंड इन फिर बोल रहा है इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर देन एंड बाय हाउ मच, फिर पूछ रहा है कि वो कि कौन से सप्ताह में बुक जो है मतलब सेल जो है वो ज़्यादा है और कितना। ठीक है, तो उसको हम करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मैंने सेल ऑफ बुक्स इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक में कितना बुक सेल करता है, बुक सेल होता है तो यहाँ पर 2,85,891, तो यहाँ लिखते हैं 2,85,891। ठीक है, और सेकेंड वीक में 4,768, फिर यहाँ पे सो सेल ऑफ बुक्स इन बोथ वीक्स टोटल कितने हुए, इसको हम ऐड कर देते हैं, 8,19,6 और 9,56,5, 8 में 1, ठीक है, 8 7 15 15 1 16, यहाँ पे 5 और 1 6, 8 8 का 8 होता है, 4 2 6, यानी टोटल इतने बुक्स बेचे गए, 9,819 9,9 और 6 5 5 कैरी 1 8 और 7 15 1 6 16 का 6 कैरी 1 5 1 6 8 का 8 4 2 6, यानी टोटल इतने रुपीस के बुक उसने बेचे। ठीक है, अब बोल रहा है फिर से तो टोटल इतने इतने के बिके, बोल रहा है कि इन विच वीक वाज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच, तो आप अगर इसको कंपेयर करेंगे दोनों वीक को तो लिखेंगे यहाँ पे बाई कंपेयरिंग वी गेट सॉरी वी सी क्लियरली सेकेंड वीक सेल इज ग्रेटर देन फर्स्ट वीक बाई कितना, तो हम क्या करेंगे सेकेंड वीक वाले में से फर्स्ट वीक को घटा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो सेकेंड वीक में कितना है, तो 4,00,768, ठीक है, और फर्स्ट वीक में कितना है 2,85,891, ठीक है, 891 इसको घटा देते हैं, तो 8 में से 1 गया 7, यहाँ 16 16 में से 9 गया, यहाँ हो गया 8 में से 1 गया 7, यहाँ 16 16 में से 9 गया 7, यहाँ हो गया 6, इसमें कह लेंगे तो यहाँ 16 16 में से ये 8 है, 8 16 में से 8 या 8, यहाँ हो गया 9 9 में से 5 गया 4, यहाँ हो गया 9 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 3 3 में से 2 गया 1, यानी जो पहले वीक का जो सेकेंड वीक का सेल है वो पहले वीक से इतना ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ नीचे ले देंगे सो तो मुझे चाहिए, ठीक
क्या तरीका हो गया आपका सीखने, पहला आंसर ये हुआ और सेकंड आंसर ये हुआ। बताते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटेन यूजिंग द डिजिट्स 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। मतलब नंबर है और इन्हीं का यूज़ करके जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो बनता है उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे जो डिजिट्स दिए जाते हैं उसका हम ग्रेटेस्ट उनसे उनका यूज़ करके हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं, ठीक है। और जैसे एक और बात यहाँ करें, ओनली वंस मतलब इनमें से हर एक डिजिट को बस एक बार ही यूज़ करना है, मतलब रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर लिखना होता तो क्या करते हैं, जो डिजिट्स दिए गए हैं उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। तो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा, यानी घटते क्रम में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 7। उसके बाद क्या है, 6। उसके बाद क्या है, 4। उसके बाद क्या है, 3। उसके बाद 2, ठीक है। और यूजिंग लिस्ट नंबर, इन्हीं डिजिट्स का यूज कर लिस्ट नंबर बनाना हो तो क्या करेंगे, इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, ठीक है। ऐसा है क्या, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, घटा देते हैं। सब्ट्रैक्शन का जो आंसर होता है उसको डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घटा देते हैं, यहाँ इसमें से इसमें कह लेंगे 12, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे हो गया 2, जस्ट कह लेंगे 12, 12 में 6 गया 6, यहाँ हो गया 3, इसमें से कह लेंगे 13, 13 में से 4 गया 9, यहाँ हो गया 5, 5 में से 3 गया 2, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया क्या 7, 7 में 2 गया 5, ठीक है। इन दोनों नंबर्स मतलब जो नंबर्स जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर इन डिजिट्स का यूज़ करके बनेगा उसका, और जो लीस्ट नंबर बनेगा उसका जो डिफरेंस होगा वो इतना ही होगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। मतलब एक मशीन है जो एक दिन में 2825 स्क्रू बनाता है। हाउ मनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 के जनवरी महीने में वो उस मशीन ने कितने कितने स्क्रू बनाए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने पहले लिख रखा है, तो नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्स इन एंड कितने कितने स्क्रू बनता है एक दिन में, तो 2825, और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे एक दिन में इतना, तो 2 दिन में इतना इंटू 2, 3 दिन में इतना इंटू 3, इसलिए 31 डे में इतना इंटू 31, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो ऐसे ही पड़ जाएगा 5, 2, 8, 2, 3 से करते हैं 3, 5, 15, 5, 31, 3, 2, 6, 1, 7, और 8, 3, 24, 8, 8, 8, 8, 24, 4, 32, 3, 2, 6, 2, 8, इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 5, 5, 2, 7, और 8, 7, 15, 5, 31, 4, 2, 6, 1, 7, 8 का 8, टोटल स्कोर कितना हो गया, 8, नहीं ये आपके आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ लिख रहा है अ मर्चेंट हैड ₹78,596 था, मतलब एक मर्चेंट के पास 78,592 रुपये थे। सी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट ₹1,200 ईच। उसने 40 रेडियो सेट्स खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया, इसमें से हर एक रेडियो का मूल्य कितना था, 1200 रुपये था। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। तो ये 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपए बचे जाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। यहाँ लिखा है टोटल मनी मर्चेंट हैड, टोटल मनी कितना कितना था उसके पास, 278,592, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पर रेडियो सेट मतलब एक रेडियो सेट का मूल्य कितना है, 1200 रुपये, ठीक है, 1200। और प्लेस ऑर्डर कितने कितने रेडियो सेट का ऑर्डर प्लेस हुआ है,
40 यूनिट, तो एक का इतना तो 40 का डिप्लाई कर देंगे, तो इसमें इसको ये अलग है, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 0 4 0 0, 4 2 8, 4 2 8 और 4 1 4, ये टोटल स्ट्रेंथ इसको ऑर्डर प्लेस करने में इतने रुपए खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर पूछ रहा है कि कितने रुपए उसके पास बच जाएंगे, तो लिखा है सो रिमेन मनी विथ हर, क्या होगा तो टोटल में से इस वाले जो खर्च हुआ उसको घटा लेंगे, तो क्या करेंगे तो 78,592 से 4800 को, सॉरी 48,000 को घटा देंगे, तो क्या होगा ये 2,295, फिर में से 0 और 74 या 3, यानी उसके पास 30,592 रुपये बचे होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, मतलब ये स्टूडेंट ने 56 से उसको मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसकी जगह पर उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। बाई हाउ मच वॉज हीज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो उसका जो आंसर है वो जो आंसर सही मतलब करेक्ट आंसर है उससे गलत वाला आंसर कितना ज़्यादा है, मतलब जो जब उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जो वो आंसर आया, मतलब जो गलत आंसर आया वो सही आंसर से कितना ज़्यादा है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो गिवन नंबर कितना दिया है 7236, ठीक है, और रंग मल्टीप्लाई मतलब रंग जिससे मल्टीप्लाई करता है वो क्या 65, उससे मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट आता है कितना 6530, 0 कैरी 3, 5 3 15 3 18 8 कैरी 1, 5 3 10 1 11 1 कैरी 1, 5 135 1 36, फिर 6 6 36, 6 कैरी 3, 6 3 18 3 21 1 कैरी 2, 6 2 18 2, सॉरी 6 2 12 2 14 4 कैरी 1, 6 7 42 1 कितना गया 43, ऐड करते हैं 0, ठीक है, 8 और 6 8 और 6, 14 4 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 3 और ये 6 और 4 10 0 कैरी 1, 3 3 6 7 7 4, जो उसका रॉन्ग प्रोडक्ट हुआ वो इतना। और अब देखते हैं राइट जो उसका करेक्ट आंसर जो उसका होगा वो क्या होगा, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो अब क्या आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 1 4 3 4, ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 8 1 6 3, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं तो ये 6 1 4 और 8 12 2 कैरी 1, कैरी 1, 3 1 4 1 5, 4 6 और 4 10, 0 कैरी 1, 3 1 4, ये उसका करेक्ट आंसर हुआ, ये उसका रॉन्ग आंसर हुआ, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मच वाज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, देख रहे हैं, हाउ मच वाज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, तो जो रॉन्ग आंसर है वो कितना ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जितना आंसर है इसमें से छोटे राइट आंसर घटा देंगे हम सोच जाएगा कितना ज़्यादा है, तो ये इसमें से इसमें कर लेंगे 10 10 6 4, यहाँ गया 3 3 1 गया 2, यहाँ गया 3 2 गया 1, यहाँ गया इधर से कह लेंगे 10 10 5 गया 5, ठीक, यहाँ गया 6 6 में 6 का 6 जाएगा 4 4 ये इतना ज़्यादा है, ठीक है। इसको एक और तरीका है जिससे हम बना सकते हैं, जैसे ना
सेकेंड मेथड, इसको आप सहज वो क्या कहते हैं, बंटन नियम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जैसे ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7236 तो ये 7236, सो 65 में से हम 56 को घटा देते हैं, ठीक। तो इसका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा है वो इतना आएगा। तो देखते हैं क्या होता है, 7236 इसमें से 65 में से 56 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 9, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या करेंगे इसको हम ऐसे लिखते हैं, 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1। अब इसको 10 और 1 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 0 लगा देंगे और -1236 इसमें से 0 घटा देंगे, घटाते हैं तो ये अगर 10 में से 6 गया 4, यहाँ अगर 5 5 में से गया 2, ये हो गया 2, सॉरी ये 3 3 में से हो गया 1, ठीक है, और ये 2 12 12 में से 7 गया 5, और ये 6 का यहाँ पे 6 बताइए, ये आपका आ गया आंसर। देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों बराबर है, ठीक है, तो आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं। दोस्तों ये था एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन था, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम देखेंगे 9 से 12 तक, ठीक है। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।